इस लाइट का एक और एक डाउनफॉल भी है, वेट से ये एक बार टूट गया था। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इसका देख लीजिए। मतलब ये पूरा का पूरा नीचे गिर गया था, हाथ में आ चुका था ये पूरा। इसका फिर से कंपनी से मेरे को कॉल वॉल करके फिर से सब चेंज कराना पड़ा पार्ट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाइक माफिया। आज मैं आपको एक ऐसी बाइक दिखाने वाला हूँ जिसे आपका दिल खुश हो जाएगा देख के, क्योंकि ये चलती है पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो यस गाइस, दिस इज द बाइक ओला S1 Pro। सो ये गाड़ी को हो चुकी है ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर के ऊपर, अभी 1 ईयर ही पकड़ लीजिए, ठीक है। सो मैंने इसको चलाया ऑलमोस्ट अराउंड 8500 किलोमीटर के आसपास। सो आज मैं आपको पूरी इसके डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ, प्लस पॉइंट्स नेगेटिव जो भी है सब कुछ एक साथ, ठीक है। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। ये 7 इंच का स्क्रीन है इसका, एंड ये पूरा टच स्क्रीन है। ये देखिए, यहाँ पे सब आपको दिखा देगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ब्लूटूथ पेयरिंग है, मैंने अभी फिलहाल इसको ब्लूटूथ पेयरिंग से हटा दिया है। तो ब्लूटूथ पेयरिंग से कैसे, मोबाइल से आप ऐप से इसको ऑन ऑफ जो करना है कर सकते हो, इट्स वेरी गुड। एंड ये इसका सेटिंग्स है, ब्राइटनेस है, साउंड सेटिंग है, डिस्प्ले है, ब्लूटूथ है, बाकी इधर परसेंटेज दिखा रहा है 98% है। इसने देखिए यहाँ पे एवरेज दिखाया है, इको मोड पे आपको दे रहा है 168 किलोमीटर नॉर्मल, 133 स्पोर्ट, 117 हाइपर, 93 किलोमीटर टॉप स्पीड है इसका, 21 किलोमीटर जो अभी फिलहाल मैं चला के आया हूँ, एवरेज स्पीड है आपका 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग भी है, साइड स्टैंड अलार्म है, ये ब्लूटूथ का है, ये हेडलाइट का है, ठीक है। अब मैंने इसको फिर से यहाँ पे लाया, अगर पेयर किया है मोबाइल से तो यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम का यहाँ पे ये आता है, साउंड इसका यहाँ से बजता है। देखिए यहाँ पे स्पीकर्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है ना छोटा सा USB दिया हुआ है, मोबाइल वगैरह कुछ चार्ज करना है आपको तो कर सकते हो। यहाँ पे बड़े फोन फिट नहीं होते, कंपनी ने क्या सोच के इसे बनाया पता नहीं। यहाँ पे अगर मोबाइल रखते भी हो, कोई बम्प बम्प स्पीड ब्रेकर आया तो मोबाइल निकल के गिर जाएगा, तो ये थोड़ी सी इसकी माइनस पॉइंट्स है। यहाँ पे उग दिया हुआ है इन्होंने, ये कुछ सामान कैरी करना है तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही स्पीकर है, कुछ रखना है रख सकते हो, छोटे मोटे चीज के लिए ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो चार्जिंग टाइम इसका है ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 6 to 7 hours मिनिमम, 0 to 100 जाने के लिए, 0% से 100% पे जाने के लिए। आई मीन जस्ट इज एक मोबाइल का बैटरी जैसे चार्ज होता है, इसका भी वैसे ही होता है, नॉर्मल आपके घर के वोल्टेज पे चल जाता है। ऐसा कोई इसके लिए स्पेशली अलग से आपको चार्जिंग प्लग लगाने का जरूरत नहीं है। बट यस, इफ योर स्टे इज इन बिल्डिंग एंड ऑल, तो आपको एक अलग से प्लग पॉइंट लेना पड़ेगा घर के नीचे से, थोड़ा बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा, ये सब है। एंड आफ्टर दैट ये बाइक देती है, नॉर्मल रेंज पे आप अगर चलाओगे तो 110 to 120 दे देता है आपको सिटी में। एंड अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे जाओगे तो 80 to 90 के आसपास दे देगा। एंड फिर आता है इको मोड, अपना हाइपर मोड, सॉरी, अगर आप हाइपर मोड पे जाते हो तो इसका पावर एकदम से ही रेज हो जाता है, एक्सलेट करते ही 0 to 60-70 मतलब सेकंड में निकल जाता है, 2-3 सेकंड भी नहीं लगते निकल जाता है। इसका टॉप स्पीड है 115 to 116, बहुत ही प्यारा बाइक है अगर आप देखेंगे तो। एंड ये एक्चुअली यूटिलिटी के लिए ठीक है, बट कुछ सामान वगैरह रखना है आपको तो आई डोंट प्रिफर दिस बाइक, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है ये जो बम्प आया हुआ है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली नॉट यूजफुल आई कैन से, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ रखना है तो नहीं रख पाओगे, सिलेंडर वगैरह कुछ भी, मतलब कुछ सामान भी आपको रखना है तो नहीं। इसका एक्चुअली बूट स्पेस अच्छा दिया है उन्होंने यहाँ पे अंदर लगेज वगैरह रखने के लिए, 36 लीटर का इसका स्पेस है अंदर, मैं आपको अंदर नजदीक से दिखाऊंगा। सो वहाँ पे 2 हेलमेट आ सकती है, वो भी हाफ साइज के, फुल साइज के हेलमेट एक भी नहीं आने वाली है इसमें। इसके अंदर चार्जर भी है इसका, तो मैं साथ में ही लेके घूमता हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि कभी किधर खत्म वगैरह हो गया है इमरजेंसी के लिए काम आ जाता है मुझे। सो ये बात है। तो गाइस, इसके जो बटन्स है रबर के बने हुए, मतलब बिल्ड क्वालिटी में काफी इन्होंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है भाई, पैसे तो सॉलिड लिया है इन्होंने, बट बिल्ड क्वालिटी इतना कम क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड ये थोड़ा इसका ग्रिप है, दिस इज ओके, दिस आर द लीवर्स, मैं इसका भी स्टोरी है इसका बताता हूँ आपको। एंड दिस इज द मिरर्स काफी अच्छे है इसके, आजू बाजू के जो भी है पीछे से जो भी देखना है सब दिख जाते हैं यहाँ से। एंड ये एक्सलेटर है इसका, एंड इसमें दो टाइप के है, ये देखिए यहाँ पे एक रिवर्स बटन है, अगर आप इसे दबाएंगे तो इससे ना फ्रंट साइड में थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे ना तो गाड़ी पीछे आती है रिवर्स में। तो गाइस, ये अपना गाड़ी का सिटिंग पोजीशन है, यहाँ पे अगर हाइट आपका ज्यादा है तो ये थोड़ा सा आपको मतलब अनकंफर्टेबल लगेगा। तो मेरा एक फ्रेंड भी है, वो भी चलाता है ये,
उसका हाइट मेरे से काफी ज्यादा है, तो वो यहाँ पे बैठता तो उसका मतलब पैर यहाँ तक पहुंचता आगे, सो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। अगर आपका हाइट शॉर्ट है सो दिस इज ओके, बट यहाँ पे और एक पिलन बैठाएंगे तो भी वो थोड़े अनकंफर्टेबली बैठते हैं। एंड इसका सेकंड है ये बैक, ये देख रहे हो आप, ये हर महीने कंपनी से मुझे बुलवा के उनको फिट करना पड़ता है ये, क्योंकि दिस इज वेरी बैड क्वालिटी थिंग ओवर हियर। प्लास्टिक का बना हुआ है ये पूरा, फाइबर इसका बॉडी है। बटन है यहाँ पे सीट खोलने के लिए, वो बटन दबाते ही यहाँ से ऑन हो गया, ये देखिए ये खुलेगा अभी। सो खुलने के बाद यहाँ पे इसका ये चार्जर रखा है मैंने, तो ये दिस इज़ अ मस्ट एक्चुअली। अगर आप बाहर कहीं पे जा रहे हो तो ये तो पक्का ही रखना है आपको, क्योंकि इसके बिना कभी मतलब इस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकता हूँ मैं। एंड ये हाफ फेस हेलमेट है, कंपनी से दो लिया था उन्होंने, दोनों का चार्ज लिया है, फ्री में कुछ नहीं आया था गाड़ी के साथ। एंड इसका साइज देख लीजिए आप एक बार, ओला का ही है, हाफ फेस हेलमेट है, दोनों रखेंगे तो चार्जर रखने का जगह नहीं बचता है फिर। सो मैंने दोनों लिया, एक रखा है घर पर, एक यहाँ पर ही है। सो फुल साइज हेलमेट इसमें नहीं बैठने वाला, अगर हेलमेट वगैरह सब हटाएंगे तो इसमें काफ़ी कुछ है जगह अगर रखना है तो आपको, तो दिस इज़ द थिंग। अब मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। सो दिस इज़ द सीट, दिस इज़ वेरी वाइड, वेरी वाइड, मतलब कोई स्कूटी में इतना वाइड सीट कभी देखा नहीं है मैंने आज तक। एक साल हो रहा है सिर्फ यही स्कूटी अभी तक हुआ है जिसे मैंने देखा है, कंपनी ने अच्छा दिया हुआ है इसके, यहाँ पे वाइड थ्रेड भी अच्छे दिखते हैं। बट थोड़े बहुत ये मेरे बिल्डिंग में कैट्स वगैरह है तो उनका काम है ये, इट्स ओके। एंड ओवरऑल अगर बाइक को आप देखते हो तो इट्स वेरी कॉम्पैक्ट बाइक, आपको मतलब बहुत बड़ी बाइक जैसे फील नहीं होगी, छोटी सी एक खिलौना मतलब लगेगा ये, मतलब गर्ल्स के लिए तो बहुत ही प्यारा गाड़ी है ये आई कैन से। जिसको फ्यूल्स में भी पैसे बचाना है वो तो लाइक ऑलमोस्ट मंथली 3 से 4 हज़ार तो बच ही जाएंगे आपके, बहुत अच्छी है बाइक। सी दिस इज़ दी एडलाइट डीडी DRL से चलते रहता है ये। एंड अगर आपको दोनों अगर चाहिए तो यहाँ पे इसका बटन है, सो ये देखिए मैंने एक बटन दबाया तो एक लाइट चालू हो गया, दूसरी बार दबाया तो दोनों भी चालू हो गया, सो दिस इज़ इट। एंड इस लाइट का एक और एक डाउनफॉल भी है, ये लाइट जो है काफ़ी पावरफुल है नो डाउट इन दिस, बट काफ़ी हैवी भी है। सो कंपनी ने ये जो इसका ऊपर का प्रोटेक्शन बनाया हुआ है केस, इस लाइट के वेट से ये एक बार टूट गया था, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ इसका देख लीजिए, मतलब ये पूरा का पूरा नीचे गिर गया था, हाथ में आ चुका था ये पूरा इसका, फिर से कंपनी से मेरे को कॉल वॉल करके फिर से सब चेंज कराना पड़ा पार्ट। सो आफ्टर दी चेंजिंग ऑफ दिस पार्ट्स एंड ऑल अभी तक तो ठीक है, जब मैंने दिस इज़ द फर्स्ट बैच बाइक आई कैन से, सो इससे क्या हुआ कि मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में जो बाइक बनाई थी उसका क्वालिटी इतना ये नहीं था, मतलब टफ़ नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रही कंपनी। एंड स्टार्टिंग में जैसे मैंने डिलीवरी लिया था गाड़ी का, ये गाड़ी ऑन द स्पॉट गिर चुका था, इसका साइड स्टैंड जो है दिस इज़ नॉट रिलायबल, कैसा है कि मतलब उसमें इतना ताकत नहीं है, थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया गाड़ी सीधा नीचे गिरती है। एंड इसके नीचे गिरने से यहाँ पे ये जो ब्रेक लीवर है यहाँ से टूट चुका था, फिर मैंने 2-3 महीने बाद कंपनी में कंप्लेन कर करके फिर इसको रिप्लेस कराया था मैंने। एंड यहाँ पे भी थोड़ी स्क्रैचेस वगैरह आ गए थे, सो दे हैव डन दैट, उन्होंने ये सब करके दिया, कोई इशू नहीं है, पेमेंट कुछ देना नहीं पड़ा, उन्होंने ये सब करके दिया फ्री में, सो दैट्स ओके। एंड इसके और भी काफ़ी इश्यूज है, ये जो साइड में पकड़ने के लिए दिए हुए ये देखिए, दिस इज़ वेरी वर्स्ट आई कैन से, मतलब इतना महंगा गाड़ी है यार ये, क्या है सी दिस, मतलब महीने में एक बार तो इसको कंपनी को बुला के टाइट करना ही पड़ता है अंदर से, दिस इज़ वेरी वर्स्ट। एंड आपको ये भी दिखा दूँ पेट्रोल अपना चार्जिंग के लिए, सॉरी पेट्रोल बोल रहा हूँ क्योंकि आदत है उसका, ये मैंने इसको लगा हुआ है ये, क्योंकि ये देखिए ये टूट चुका है मेरा यहाँ से ये फ्लैप, सी नहीं रुक रहा ये, सो इसको रोकने के लिए मैंने ये थोड़ा सा इंडियन जुगाड़ लगाया अपना इस तरह से, अभी क्या ही कर सकते हैं। और इसका और एक पार्ट ऐसा है कि अगर आप पिलोन को किसी को बिठा रहे हो तो इस पर गिरता है प्रेशर, है नहीं अपने आप खुल जाता था कभी कभी, जब वो सही था तभी भी ऐसे होता था वो, उसके बाद आते हैं अपन नीचे इसके टेल लाइट पे, ये अंदर बल्ब दिया हुआ है उन्होंने और पीछे ये LED लाइट्स है, अच्छा खासा इसका भी मतलब व्हाट यू से लाइट अच्छा है इसका, नो इशू इन दैट।
एंड नाउ आई एम कमिंग ऑन द टायर्स. इसके टायर्स काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे हैं यार. ग्रिप एंड ऑल इज़ वेरी गुड. बड़े साइज़ के टायर्स है. इन्होंने पीछे भी डिस्क ब्रेक दिया हुआ है. ABS है इसमें. क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है मेन. बहुत प्यारा है वो. एंड आप फ्रंट में आ रहे हो तो दिस इज़ अ सिंगल सस्पेंशन है. यहाँ पे डबल सस्पेंशन नहीं दिया हुआ है. देखिए आप सिंगल स्विंग आम है यहाँ पे. एंड इसका ये मैकेनिज्म ऐसे जा रहा है. देखिए सिंगल स्विंग आम पे. एंड इसका भी एक डिस्क ब्रेक दिया हुआ है यहाँ पे. सो ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड इन दिस. आई कैन से दैट मतलब ब्रेकिंग में कभी कोई इशू नहीं आया. हाँ दो तीन बार मतलब आवाज़ आ रही थी कचकच, तो उसको मैंने फिर से कंपनी को बोल के उसका पूरा मैंने साफ़ करा दिया था. तो उसके बाद से सब सही है. यहाँ पे भी टर्न इंडिकेटर्स दिया हुआ उन्होंने. काफ़ी प्यारा है वो. एंड ओवरऑल बाइक इज़ ओके आई कैन से. गाइस दिस इज़ द मोटर वैया. अंदर मोटर होता है. सीधा स्विंग आर्म आ गया. इसको डायरेक्ट चलाता है ये. सो पावर रेशियो इज़ वेरी गुड ऑफ दिस बाइक. पिकअप एंड ऑल बहुत ही मतलब ऑसम है. आपको ऐसा लगेगा ना कि आपने एक स्कूटी चलाया. एग्जाम बाइक की तरह इसका फील आ जाएगा आपको. बहुत अच्छा है. अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं इस बाइक की तो काफ़ी लो मेंटेनेंस है. अभी तक तो कुछ ज़्यादा पॉकेट से गया नहीं है मेरा. अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग किया है तो वही है बस. एंड मतलब कंपनी को अभी तक तो मैंने कुछ पे नहीं किया क्योंकि जो भी डिफेक्ट्स है बाइक कंपनी है. वो नया गाड़ी है. नया मतलब R&D हुआ है इस पर. सो सीधी बात है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा किसी को भी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए. प्रोडक्ट अच्छा है नो डाउट. अगर आप इसे दूसरे कंपनी से लाइक एटर हो गया. एटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक सेगमेंट में. उसका थोड़ा सा माइलेज कम देता है. वो रेंज कम है इलेक्ट्रिक में. 85-90 के आसपास देता है. सो वहाँ पे ही वो मार खा रहा है इससे माइलेज में. बाकी दैट बाइक इज़ वेरी गुड कंपेयर टू दिस. रेट भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है. सो इसका रेट की बात करते हैं तो मैंने इसको ऑलमोस्ट लिया है 160-165,000 में. 1,65,000 के आसपास. सो अभी अप्रैल में उनका ओला S1 Pro पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है. दैट इज़ 1,25,000 एक्स शोरूम पे. मतलब ऑलमोस्ट आपको पड़ेगी 135-140 के आसपास पड़ जाएगी है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड डिस्काउंट. एंड काफ़ी अलग अलग जगह पे इसको स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे उन्होंने थोड़ा बहुत सब्सिडी भी दिया हुआ है. महाराष्ट्र में मेरे को मिला नहीं है कुछ. सो उसका लाभ उठा नहीं पाया मैं. बट स्टिल आई एम हैप्पी विद दिस. मतलब पैसे बच जाते हैं फ्यूल के. ऑलमोस्ट मेरे ये बाइक पे तो कम से कम 4,000 तो पक्का ही बचता है महीने का. सो बाकी अगर मैं मेरे दूसरे बाइक से कंपैरिजन में ये बाइक देखूँ तो दिस इज़ गुड एक्चुअली मेरे हिसाब से तो. काफ़ी क्योंकि मेरा लोकल में काफ़ी राइड्स होते हैं. क्वालिटी है. क्वालिटी ऑफ मेकिंग कंपनी हैज टू इम्प्रूव इट. एंड आई होप उन्होंने ये 1.5 साल में पूरा का पूरा इम्प्रूव किया होगा. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक. ये सारे जो मैंने चीज़ें बोले नेगेटिव इसकी वो अगर वो लोग शॉर्ट आउट करते हैं तो देर इज डेफिनेटली गो अहेड थम्स अप फॉर दिस बाइक. एंड या और चीज़ बोलना भूल गया मैं. ये लाइक अप साइड जब चढ़ाते हो बाइक तो उसको ज़्यादा पावर लगता है. थोड़ा सा हॉल्ट लेता है गाड़ी अगर आप मतलब जा नहीं पाता जल्दी से. अगर जाना है तो स्पोर्ट्स मोड या हाइपर मोड पे डाल के आपको जाना है. नॉर्मल मोड पे तो नहीं चढ़ पाता. अगर कोई पिलन है तो सीधी बात है हाइपर मोड पे ही जाना पड़ेगा. और अगर आपने एक्सेलेटर दिया तो गाड़ी पीछे आ जाती है फटाक से. एंड यहाँ पे उन्होंने OS 3 अपडेट दिया हुआ है. उन्होंने उसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिया हुआ है. इसके 2-4 थीम्स है अलग अलग. वो भी काफ़ी प्यारे हैं. एंड मोबाइल्स के थ्रू आप इसको कनेक्ट करके गाड़ी को पूरा हैंडल कर सकते हो. एंड इवन दैट इज़ गुड. आप एक 15 मीटर्स दूर जाके भी मतलब गाड़ी के पास आते हो 15 मीटर्स तो गाड़ी अपने आप अनलॉक होती है अगर ब्लूटूथ से गाड़ी कनेक्टेड है. एंड सेकेंड थिंग अगर 15 मीटर्स आप फिर से पीछे जाओगे तो गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी. सो ये सारे फीचर्स है इसमें. एंड और एक इसका जो है कंपनी ने यहाँ पे एक कारपेट दिया हुआ है. सो यहाँ पे ये छिटका हुआ है. दिस साइड इट इज़ लिटिल बिट पिलिंग ऑफ. मतलब उसके मतलब जो फिटमेंट्स है थोड़े वो दे नीड टू बी इम्प्रूव. सो दैट्स ऑल आई कैन से. एंड बाकी तो मतलब छोटा सा प्यारा सा गाड़ी है. आई लव दैट. एंड होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो. और आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे न्यू वीडियोज़ को देखते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.